अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि आप इस वीडियो पे देखेंगे जिस तरीके से भारत पे पाखंड बढ़ता ही जा रहा है, इसकी कोई सीमा नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई इस वीडियो क्लिप में हम प्रधानमंत्री मोदी जी का भी भाषण सुनेंगे, जो कि चंद्रयान 3 के बारे में है, और उसके बाद सीमा हैदर का भी बयान सुनेंगे। उनका भी भाषण आया बहुत बड़ा, और वो साफ तौर पर ये कह रही हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि वो पाकिस्तान से भागी हुई भगोड़ी हैं जो कि हिंदुस्तान में आके बस गई हैं, और वो साफ तौर पर ये कह रही हैं कि वो अब चांद की भी इबादत करेंगी, चांद की पूजा करेंगी, और 23 अगस्त को जो है वो रोज़ा रखेंगी यानी व्रत रखेंगी। इस तरीके के बयान वो दे रही हैं, और भी उन्होंने बहुत सारा भाषण दिया है जो कि इस वीडियो पे आप देखिएगा। और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक साहब का भी हम वीडियो क्लिप देखेंगे, उनकी राय सुनेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप हमारे साथ आपके तक ज़रूर देखें, और आगे देखने से पहले आप चैनल पर लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर लें, जिससे आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। जय श्री राम। मैं सीमा मीना पत्नी सचिन मीना। आज सुबह मेरे वकील डॉक्टर एके सिंह सर की मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा कि देखो हमारे देश के प्रधानमंत्री इसरो के वैज्ञानिकों से मिलने पहुंचे हैं। तो मैंने टीवी ऑन करी और उनका भाषण चल रहा था, उससे मैं बहुत प्रभावित हुई। मैंने ये फैसला लिया है हर साल 23 अगस्त को मैं प्रतिज्ञा किया करूँगी, और जो चंद्रयान की सफलता हुई है मैं वर्तती रही थी, मेरे चंद्रमा भगवान और मेरे सारी देवी देवताओं ने मेरी प्रार्थना सुनी, और इसलिए मैंने ये भी फैसला किया है कि हर साल 23 अगस्त को मैं वर्तती रहा करूँगी, और जो वहाँ शिव शक्ति और तिरंगा स्थान किया गया है उनको मान के मैं पूजा भी किया करूँगी। जय श्री राम, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। पहले इंसान ये सोचते थे ये चांदनी जो है, चांद की रोशनी, ये उसकी खुद की रोशनी है। चंद सदी पहले हमें पता चला कि चांद की रोशनी, चांदनी उसकी खुद की रोशनी नहीं है, ये सूरज की ली हुई रोशनी है, सूरज की मुनअक्स शुदा रिफ्लेक्टेड लाइट है, बोरोड लाइट है। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं सूरह फुरकान में सूरह नंबर 25 आयत नंबर 61 में, अल्लाह सुबहान व तआला ने आसमान में बुर्ज रखे, तारों के झुंड, और इसमें रखा सूरज जिसके पास खुद की रोशनी है, सुलगता हुआ चिराग, और रखा चांद जिसकी ली हुई रोशनी है। कुरान में सूरज अरबी में कहा गया है शम्स, और इसकी रोशनी को कहा गया है सिराज, वहाज और दिया, जिसके मानी है सुलगता हुआ चिराग या मशाल या दिया। तीनों के मानी है कि सूरज की रोशनी खुद की है, और चांद को कहा गया है कुरान मजीद में कमर, और चांदनी को कहा गया है मुनीर या नूर। मुनीर मीन्स बोरोड लाइट, ली हुई रोशनी, या नूर मीनिंग रिफ्लेक्टेड लाइट, मुनअक्स शुदा रोशनी, रिफ्लेक्टेड लाइट। आप सोच सकते कुरान मजीद 1400 साल पहले कहता है कि ये चांदनी खुद की रोशनी नहीं है, चांद की ली हुई रोशनी है, और इसका जिक्र सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 61 के अलावा सूरह यूनुस में सूरह नंबर 10 आयत नंबर 5 में, और सूरह नूह में सूरह नंबर 71 आयत नंबर 15 और 16 में। पहले साइंसदान ये समझते थे कि ज़मीन कायनात का मरकज है, और बाकी सैयारे चांद और सूरज जमीन के गोल घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। इसे कहते थे थ्योरी ऑफ जियोसेंट्रिज्म, जमीन को मरकज समझने का नजरिया। और ये लोग 2 सदी से टॉलमी के वक्त से मानते थे, 16वीं सदी तक, जब तक कोपरनिकस ने कहा कि जमीन के गोल चांद और सैयारे नहीं चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सूरज के गोल जमीन चांद और बाकी सैयारे चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं। इसे कहते थे हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, मतलब सूरज
का मरकज होने का नजरिया। और सन 1609 में एक जर्मन साइंटिस्ट जिसका नाम था योहन्नेस केपलर, उसने लिखा अपनी किताब में एस्ट्रोनोमा नोवा कि सिर्फ सैयारे और चांद सूरज के गोल घूम नहीं रहे हैं, लेकिन जमीन, चांद और सैयारे प्लैनेट्स सूरज के गोल घूमने के अलावा अपने महवर पे गर्दिश कर रहे हैं। दे आर रोटेटिंग अबाउट दे ओन एक्सिस। और जब मैं स्कूल में था, मैं सन 1981 में 10वीं में था, ज्योग्राफी में मैंने पढ़ा था कि जमीन, चांद और सैयारे प्लैनेट्स वो चक्कर लगा रहे हैं, दे आर रिवॉल्विंग एंड रोटेटिंग और अपने महवर पे गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन सूरज अपने महवर पे गर्दिश नहीं कर रहा है। लेकिन मैंने जब कुरान की एक आयत पढ़ी, सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 33 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, हुवल्लज़ी खलक़ल लैल व नहारा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने रात और दिन बनाया, व शम्स व कमर सूरज और चांद, कुल्लुन फी फलकी यस्बहून वो घूम रहे हैं और अपने महवर पे गर्दिश कर रहे हैं। कुरान का लफ्ज यह है यस्बहून, कुरान ये कहता है कि सन एंड द मून आर रिवॉल्विंग, चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे, उसके अलावा यस्बहून, ये अरबी लफ्ज यस्बहून आता है लफ्ज सबाह से, और सबाह एक अरबी लफ्ज है जो चलते हुए जिस्म के मूवमेंट को डिस्क्राइब करता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँगा कि कोई इंसान पानी में सबाह कर रहा है, उसके ये मानी नहीं कि वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है, इसके मानी है कि वो पानी में तैर रहा है। अगर मैं कहूँगा कोई सबाह कर रहा है ज़मीन पे, उसका मतलब नहीं कि वो आदमी ज़मीन पे रोल कर रहा है, उसका मतलब है कि वो इंसान ज़मीन पे चल रहा है या दौड़ रहा है। उसी तरीके से जब अल्लाह सुबहान तआला ये लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं कोई फल्की जिस्म के लिए, फॉर अ सेलेस्टियल बॉडी, उसके मानी नहीं कि वो फ्लाई हो रहा है या फ्लोट हो रहा है, उसके मानी है इट इज़ रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, वो अपने महवर पे गर्दिश कर रहा है। आज साइंस तरक्की करने के बाद साइंस ये कहती है कि आप सूरज का अक्स टेबल के ऊपर देख सकते हैं एक आलेख के जरिए, और पता लगता है कि सूरज में ब्लैक स्पॉट्स है, और ये ब्लैक स्पॉट्स तकरीबन 25 दिन लेते हैं गर्दिश करने के लिए। इससे ये साबित होता है कि सूरज तकरीबन 25 दिन लेता है एक गर्दिश करने के लिए। तो आज साइंस ये तस्लीम करती है कि सूरज भी अपने महवर पे गर्दिश कर रहा है, जो मैंने स्कूल में तकरीबन 28 साल पहले पढ़ा था कि सूरज वॉज स्टेशनरी, सूरज गर्दिश नहीं कर रहा है। तो 28 साल पहले मैंने स्कूल में पढ़ा, आज साइंस उसे तस्लीम करती है, और कुरान मजीद में इसका जिक्र है 1400 साल पहले, और आज अक्सर स्कूल के साइंस की किताब में इसको इनकॉर्पोरेट किया जा चुका है। तो दोस्तों ये था वीडियो, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था, अपनी कीमती राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, और इस वीडियो को तमाम भाइयों तक जरूर शेयर करें ताकि उन तक भी हक और सच की बात मालूम हो सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे, तब तक आप अपना ध्यान रखें।